कि अभी कुछ दिन पहले मोरबी में गुजरात में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग पुल पर आ गए और पुल टूट गया। तो अगर नीतीश कुमार के तरीके से जाएंगे तब तो लोगों को ये कहना चाहिए था कि जो लोग पुल पर भीड़ करेगा वो गिर कर मरेगा। ये तो इस तरह का असंवेदनशील बयान सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जैसा घबराया हुआ व्यक्ति ही दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ गए हैं, घबरा गए हैं और इस घबराहट में इस तरह के बयान उनके मुंह से निकल रहा है, दिखाता है कि कितनी घबराहट है लोगों में। आप देखिए कि मैं कोई विधायक हूँ नहीं, मंत्री एमपी हूँ नहीं, कोई अफसर हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं, चुपचाप अपने साथ 50-100 लोगों के साथ पैदल चल रहा हूँ। कोई भीड़ करता नहीं हूँ, रैली करता नहीं हूँ, मैं 50-100 लोगों के साथ गांव-गांव, एक गांव से दूसरे गांव पैदल चल के जा रहा हूँ। अगर इस अभियान की कोई ताकत ही नहीं है तो लोगों को टिप्पणी करने की जरूरत क्या है, लोगों को इतनी घबराहट क्यों हो रही है। उनकी घबराहट इसलिए हो रही है कि उनको पता है कि इसकी ताकत नीचे कितनी है, उनको पता है कि नीचे क्या हो रहा है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो आप देखेंगे कि जन बल, एक बार जनता खड़ी हो गई तो 30-35 बरस से जो मजबूरी में बिहार का एक बड़ा वर्ग वोट देता रहा है, कुछ लोग जिनको लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वोट लेती रही है और कुछ समाज का वो वर्ग जिसको भाजपा का डर दिखाकर लालू जी वोट देते लेते रहे हैं, ये स्थिति खत्म हो जाएगी। और जैसे ही वो स्थिति खत्म हुई तो बिहार में एक नई व्यवस्था आ जाएगी और आप देखेंगे कि कैसे सही लोग चुनकर आते हैं। और जो लोग भी अभी दुकानदारी कर रहे हैं, इनकी सबकी दुकान होने वाली है बंद, तो स्वाभाविक है घबराएंगे, और घबराएंगे तो टीका टिप्पणी करेंगे। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का बयान, मेरे पर छोड़ दीजिए, और जिस तरह की टिप्पणी, जिस तरह की असंवेदनशील टिप्पणी मुख्यमंत्री ने करी है, ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है उनकी घबराहट, ये दिखाता है कि जो मैं रोज बात कह रहा हूँ कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है। जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाए और आप सामाजिक राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ जाएं तो घबराहट में आपके मुंह से इस तरह की बातें निकलती हैं।